ये लो, इस पर अपना दस्तखत करो। नहीं। क्या? मैं खुद को बचाने के लिए किसी निर्दोष को फंसाना नहीं चाहता। मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। देखो सुभाष, अगर तुम्हारे ऊपर 1000 रुपए की चोरी का इल्जाम सिद्ध हो गया तो लंबे समय के लिए जेल जाओगे। तुम ये सब मेरे दादाजी के इलाज के पैसे इकट्ठे करने के लिए कर रहे हो ना? ठीक है, ये लो, मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूं। ये लो, अब यहां से बरी होकर जाओ और सीधे साईं के पास जाकर अपने दादाजी का इलाज करवाओ। देखो सुभाष, अगर तुम लंबे समय के लिए जेल गए तो शायद तुम्हारे दादाजी अपने आंखों का इलाज कभी कराए ही ना। सोच लो, एक तरफ तुम्हारे दादाजी है और दूसरी तरफ यह आदमी जिसे तुम जानते तक नहीं हो। सुभाष बेटा, जिसने तुम्हें ये पैसे दिए थे उसको बुला लो ना, सच तो पता चले इन लोगों को। पैसे कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है कि वो पैसे तुमने कैसे कमाए, लेकिन वो तुमने याद ही नहीं रखा। सही कहा तुमने, वो रुपया तुमने देखा, तुम लालच में आ गए और तुमने उसे उठा लिया। साई सही कह रहे थे, मेरी जरूरत ने मुझे लालची बना दिया और मैंने लालच में आकर वो पैसे उठाए। अब मैं पैसों के लालच में वकील साहब को झूठी गवाही तो नहीं दे सकता। पिछले कुछ दिनों से मैंने जब भी अच्छा किया तो उसका परिणाम भी अच्छा निकला। अब एक बार और नहीं भटकना चाहता हूँ। नहीं, सुभाष, लोक के समक्ष मनुष्य क्या निर्णय लेता है वो उसकी मनुष्यता, उसके चरित्र को परिभाषित करता है। आज तुमने लोक पर विजय पाली। लेकिन साई, क्या मैं रिहा हो पाऊंगा? वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन खल योग का। तुम्हें भूख लगी है? जो कुछ है हाथ में तेरे, यही फल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.